आज हम बात करेंगे सेफ और अनसेफ डेज के बारे में। बहुत सारे लोगों की चॉइस ये होती है कि हम अपने पार्टनर से मिले भी और वो प्रेग्नेंट भी ना हो, तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी महिला के साथ में अगर हम मिलते हैं तो उसके कौन से सेफ डेज हैं जहां पर अगर हम बिना प्रोटेक्शन के मिले तो वो प्रेगनेंसी कंसीव ना करें, और कौन से दिन ऐसे हैं जहां पर अगर हम मिलते हैं बिना प्रोटेक्शन के तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अगर ये दोनों ही चीज़ों को हम समझ लेंगे तो ये दोनों ही तरीके के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी वो लोग जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आइए समझ लेते हैं इसको बोर्ड पर। तो आई व्यूअर्स, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि कौन से हमारे सेफ डे हैं कौन से अनसेफ डे हैं। यहाँ पर एक चीज़ पहले ये समझ ले कि हम जो स्पर्म होते हैं पुरुष के, उसकी जो लाइफ होती है वुमेन बॉडी में, यानी एक महिला के शरीर के अंदर जाने के बाद, वो 72 घंटे की होती है, यानी 3 दिन। और जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उसकी लाइफ होती है 24 घंटे, ठीक है, यानी एक दिन पूरा दिन और एक रात, ठीक, 24 घंटे। अब आप इसको समझ लीजिए बहुत आसान और सरल शब्दों में। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग तरीके की महिलाओं के, जिसमें एक महिला का पीरियड हो रहा है 22 दिन का, एक महिला का हो रहा है पीरियड 28 दिन का, फिर एक महिला का पीरियड हो रहा है 35 दिन का। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं किसी भी महिला का, जो भी आपका पार्टनर है, कि उसका ऑलमोस्ट पूरे महीना कितने दिन का होता है। और एक ही महीना नहीं, पिछले 2-3 महीने को आप एक एवरेज निकालेंगे कि पिछले महीने कितने दिन का था, उससे पिछले महीने कितने दिन का था। तो जो भी 3-4 महीने का जो एक मीन निकल के आ रहा है कि भाई इतने दिन का ऑलमोस्ट पीरियड रहता है, उतने दिन का इसी तरीके से आप लाइन बनाएंगे, एक लाइन, ठीक। अब उसमें क्या करना है, जितने दिन का भी पीरियड होता है उससे लास्ट से 14 डेज काउंट करके पीछे आ जाना है यहां से, यानी ये वो दिन हो गया जिस दिन पहला दिन महावारी का होता है, ठीक, ये वो दिन है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन महावारी होती है, किसी किसी में 5 दिन होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन ये महावारी का हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही आप काउंट गिनती बनाते चले जाएंगे, और जितने दिन का महिला का पीरियड होता है उतने दिन पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, ये वैसे ये गलती का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक अंदाज़ा है, और जहाँ डॉक्टर्स हमारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं उनका भी यही होता है कि वो एक अंदाज़ा बताते हैं आपको कि इस तरीके से आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही दिनों में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि कभी किसी महिला का 22 दिन का ही पीरियड हो सकता है, किसी का 26 दिन का भी हो सकता है, किसी का 28 दिन का भी हो सकता है। तो ये दिन आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए ये एक अंदाज़ा है जिसको आपको समझना है। अब ये दिन जो पहला है, ये मेंस्ट्रुएशन का पहला डे है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से यहाँ से हमने लिखा है इसको, और ये लास्ट डे है और इसके बाद नया पीरियड शुरू होगा। अब यहाँ से हम उल्टी गिनती 14 दिन पीछे आएंगे, हम चार्ट में 14 दिन पीछे निशान लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर ये निशान आ गया, यानी ये जो 14 डे है यहाँ पर हमारा जो है ओवुलेशन डे होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि एक दिन आगे पीछे हो सकता है, हम इस पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही आप दूसरी महिला को ले लेते हैं कि इसमें पीछे से 14 दिन हम आ जाएंगे और हमने यहाँ पर निशान लगाया, ये भी दिन हो सकता है, ये भी दिन हो सकता है, ठीक। इसी तरीके से हम 35 दिन पर निशान लगाएंगे कि 35 दिन में हमारा 21वां दिन भी हो सकता है, 22वां दिन भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि आगे पीछे दिन एक आध दिन का हेरफेर हो सकता है। अब इसमें हमें सीधा सा एक फॉर्मूला क्या लेना है, इसको समझ लेना है कि अगर कोई भी पुरुष मान लीजिए पीरियड होने का के 6ठे दिन मिलता है या 7th डे पे मिलता है तो वो वुमेन प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर उसका पीरियड 22 दिन का हो रहा है तो, ठीक, क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ है 72 घंटे की, यानी 3 दिन की है, तो वो स्पर्म यहाँ 3 दिन बॉडी में रहेगा वुमेन की और यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ एग आ जाएगा तब तक, और वो वहाँ पर प्रेगनेंसी की स्थिति बन सकती है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम 10वें दिन से इसको कैलकुलेट करें तो ये यहाँ से भी प्रेगनेंसी की स्थिति बन सकती है, बिकॉज मान लीजिए 28 दिन का महीना कैलकुलेट किया, उसी महीने वो 26 दिन का हो गया तो वो घट के यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 10वें दिन से इसको मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि जहाँ हमारा 21वां 22वां दिन प्रेगनेंसी
का दिन है, तो उस दिन अगर मान लीजिए हम 18 और 19 दिन के को संपर्क करते हैं, 18, 19, 20 से, तो ये प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर उसी महीने ये घट गया तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें आपको ये समझना है कि जो हमारा यहाँ से 8th ऑफ डे है, किसी भी महिला का जो 8वां दिन है, यहाँ से लेकर अगर हम देखें तो आगे के जो 10 दिन है वो हमारे अनसेफ डे हैं, यानी यहाँ तक, ठीक, ये हमारे अनसेफ डे हो गए। अगर यहाँ हम बिना प्रोटेक्शन के मिलेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी यही स्थिति है, तो हम यहाँ पर भी यही मान के चलेंगे कि यहाँ हमारा 10वें दिन से लेकर हमारा जो आगे के जो यहाँ से हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ से 10 दिन हम आगे जोड़ लेंगे, यहाँ के कुल मिलाकर यहाँ हम 10 दिन ये जोड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर ये 20 दिन हो गए, 20वें दिन तक। ऐसे ही यहाँ पर हम इस महिला में लेंगे कि यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पर भी इसको 12वें दिन से ले लें, और 12वें दिन से लेकर हम लगभग 23वें दिन तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे अनसेफ डे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सब में देखेंगे तो यही है कि जो फर्स्ट वीक के बाद, यानी 8वां दिन यहाँ, 10वां दिन यहाँ, 12वां दिन, क्योंकि ज़्यादा दिन है यहाँ पर तो 12वां दिन, तो यानी अगर नॉर्मली आप समझें तो 10वें दिन से लेकर जो 20वें दिन तक का एक ऑन एन एवरेज, या फिर बिल्कुल सेफ चाहिए तो 23वें या 24 दिन तक लास्ट, ये हम इसको भी एक ऐड कर सकते हैं कि 10वें दिन से लेकर हम अगर 24वें दिन तक को ध्यान में रखें तो ये हमारे अनसेफ डे हैं, और बाकी के हमारे ये सेफ डे होते हैं। ये जितने बचे ये सेफ डे हैं, अगर इसमें आप प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक, ये हमारे सेफ डे हो गए, ये सारे सेफ डे हैं, ठीक, ये सेफ डे हैं। इन दिनों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर बेबी चाहिए तो हमें प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना है, अगर हमें बेबी नहीं चाहिए तो हम इन दिनों में प्रोटेक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो ऑलमोस्ट ये जो शुरू के दिन होते हैं जिनको हमने बताया, ये हमारे माहवारी के दिन होते हैं, 4 से 5 दिन, किसी किसी में 3 दिन होते हैं, किसी में 5 दिन होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इन दिनों को तो हम छोड़ देंगे, बाकी के ये दिन, बाकी के ये दिन, बाकी के ये दिन ये सेफ डे हैं, बाकी के इधर के ये दिन, इधर के ये दिन, इधर के ये दिन सेफ हैं। लेकिन इसमें भी ये दिन आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसलिए आपको एक मार्जिन लेके जरूर चलना चाहिए। 17 दिन है तो आप इसको 18 भी मान सकते हैं, और यहाँ पर भी मार्जिन लेके चलेंगे, इसमें तो 21वां दिन भी जोड़ सकते हैं, यहाँ 9वां दिन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 12वां दिन है, यहाँ 24वां दिन हमने ले लिया है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक दिन का या दो दिन का आगे और पीछे आप उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी, और बाकी के दिन जो आपके बचते हैं वो आपके सेफ डे होते हैं। यहाँ पर जो आपको इतने सारे दिन दिख रहे हैं, आप सोचेंगे कि इतने सारे दिन सभी अनसेफ बता दिए, ये सिर्फ इसलिए बताए हैं, मान लीजिए 35 दिन का पीरियड है लेकिन उसी महीने ये घटचक्र या 28 दिन का हो जाता है, तो ये चक्र फिर यहाँ 12वें दिन पर भी आ सकता है, या फिर ये 14वें दिन पर भी आ सकता है कंसीविंग डे। तो इसलिए किसी दिन आपसे कोई, किसी भी महीने में आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए ये इतने सारे दिन यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे हमें नहीं पता है आगे आने वाले महीने में कौन सा महीने में कितने दिन का वो महीना होगा और कब ओवल्यूशन का समय आ जाएगा। तो इसलिए ये इतने सारे दिनों को कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन रखेंगे तो आप उन दिनों को एंजॉय कर सकते हैं बिना प्रोडक्शन के, और जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप इस चार्ट से आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।